जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का कोर्ट मार्शल, तीन रिटायर्ड अफसरान को भी फौजी तहवील में ले लिया गया। आईएसबीआर के मुताबिक तीनों अफसरान को फौजी नज्म व जब्त की खिलाफ वर्जी पर तहवील में लिया गया। दो रिटायर्ड ब्रिगेडियर और एक रिटायर्ड कर्नल शामिल। रिटायर्ड अफसरान और साथियों से तफ्तीश जारी। सियासी गठजोड़ की तहकीकात हो रही हैं। ब्रिगेडियर गफ्फार और ब्रिगेडियर नईम का ताल्लुक चकवाल से है। दोनों रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरल फैज के मंजूर नजर थे। जाली खबरों से खबरदार रहना होगा। दुश्मन घिनौना प्रोपेगेंडा कर रहा है, मकसद अवाम और फौज का ताल्लुक कमजोर करना है। वेटरन्स की हिमायत ये कोशिशें नाकाम बनाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का यौम आज़ादी पर रिटायर्ड फौजियों से खिताब। वेटरन्स का फौजी क्यादत की हिमायत का इरादा। आर्मी चीफ का साबिक फौजियों को खराज तहसीन। चैलेंजेस के मुकाबले में इत्तेहाद और लचक की बुनियादी अहमियत पर जोर दिया। जनरल बाजवा ने मार्शल लॉ लगाने की धमकी दी थी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ। कहते हैं जनरल बाजवा ने मार्शल लॉ की बात मजमे के बीच में की थी। जनरल बाजवा बानी पीटीआई को लेकर आए, चार साल तक शो चलाया। जनरल बाजवा और फैज हमीद का बहुत करीबी ताल्लुक है। फैज हमीद हमारा असासा थे, बानी पीटीआई का एतराफ। कहा, मैं फैज हमीद को नहीं हटाना चाहता था। जनरल बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए फैज को हटाया। फैज की वजह से बाजवा से तलखी हुई। पीटीआई भी फैज हमीद के दिफा में आ गई। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की जनरल बाजवा पर इल्जामात की बारिश। जनरल बाजवा से पूछा जाए उनकी कमान में ये सब क्यों हुआ। साबिक कोर कमांडर्स को सामने लाया जाए। गिरफ्तारियों का दायरा फौज से बाहर भी बढ़ाया जाएगा। वज़ीर इत्तला'आत अताउल्लाह तारड़ ने खबरदार कर दिया। कहते हैं मुल्क को अदम इस्तेहकाम करने वाले तमाम अफराद शिकंजे में आएंगे। फैज हमीद ने बानी की ख्वाहिश पर इकदाम किए। तहरीक अदम एतमाद के वक्त भी उनका राबता था। गिरफ्तार अफराद और इंतशारी टोला मिला हुआ था। बानी इन सब को लीड कर रहे थे। 9 मई साजिश के तहत किया गया। बानी पीटीआई सानिया 9 मई के मास्टरमाइंड थे। एक बदनामे जमाना शख्स भी सहूलतकारों में शामिल है। साकिब निसार ने भी सहूलतकारी की हो तो गिरफ्तार किया जाए। वजीर इत्तला'आत सिंध शर्जील मेमन का मुतालबा। कुछ लोगों ने ओहदों की लालच में मुल्क की सालमियत को नहीं देखा। ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू का पस मंजर कुछ और होगा। जनरल फैज के मामले को सियासी नहीं कहा जा सकता। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का मौकिफ। कहा, आर्मी चीफ की तैनाती के बाद सारा मंजरनामा 9 मई पर जाकर खत्म हुआ। नवाज शरीफ का मौकिफ वाजे था, आर्मी चीफ के लिए सीनियर मोस्ट को तरजीह दी जाए। कुछ राज सीने में दफन हैं तो दफन ही रहने दें। अडियाला जेल में बानी पीटीआई का बिछाया गया खुफिया नेटवर्क उखाड़ दिया गया। जेल में मोबाइल फोन देने और यूरोपीय ममालिक में चंद किरदारों से मुसलसल राबता करवाने वाले अफसरान धर लिए गए। अडियाला जेल का साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट सरगना था। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम और साबिक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बिलाल से तफ्तीश। अडियाला के असिस्टेंट नाजिम शाह, साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जफर भी गिरफ्तार। मोहम्मद अकरम पीटीआई के जुल्फी बुखारी के करीब था। मियां नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत मुशावरती इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की भी शिरकत। आवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ देने पर गौर किया गया। नवाज शरीफ ने कहा, बिजली बिल आवाम के लिए नाकाबले बर्दाश्त हैं। पीटीआई की लाई हुई तबाही आवाम के लिए महंगाई लाई। आवाम को हमसे रिलीफ की तवक्को है, ये हमारी सलाहियतों का इम्तहान है। मीडिया के चंद लोग खरीद कर प्रोपेगेंडा किया जाता है। जजेस को गालियां देने के लिए किराए के लोगों का इस्तेमाल होता है। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा के चेयरपर्सन वाइल्ड लाइफ को हटाने के केस में रिमार्क्स। कहा, हिम्मत है तो हमारे सामने आकर बात करें, जवाब देंगे। प्रोपेगेंडा वॉर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ क्यों चल रही है? यहाँ हर बंदा एक एजेंडे पर चल रहा है। जिंदगी में कभी एक प्लॉट नहीं लिया। तहरीक इंसाफ में तब्दीली की लहर। हम्माद अजहर पीटीआई पंजाब की सदारत से मुस्ताफी हो गए। पंजाब की तंजीम साजी समेत दीगर फैसलों में मुशावरत न करने का शिकवा। उमर अयूब का हम्माद अजहर का इस्तीफा मंजूर करने से इनकार।
कौमी हीरो अरशद नदीम के एजाज में आज GHQ में खसूसी तकरीब होगी। अरशद नदीम अहले खाना के साथ शरीक होंगे। ISPR के मुताबिक तकरीब का मकसद अरशद नदीम की सलाहियतों का एतराफ और उनकी हौसला अफजाई करना है। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरे और मुल्क का नाम रोशन किया। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम पर इनामात की बारिश। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कौमी हीरो को 5 करोड़ रुपए का चेक दिया। कोच के लिए 50 लाख रुपए का ऐलान। वज़ीर बल्दियात सिंध का कराची की एक सड़क अरशद नदीम के नाम से मंसूब करने का ऐलान। इंडस मोटर्स के CEO अली असगर जमाली अरशद नदीम को गाड़ी देंगे। शर्जील मेमन ने कहा कि अरशद नदीम को मर्जी का नंबर मिलेगा। नासिर हुसैन शाह का अरशद नदीम की वालिदा को भी गाड़ी देने का ऐलान। वज़ीरे दाखला मोहसिन नकवी की बरतानवी वज़ीरे मुमलिकत बराए खारजा हिमेश फॉकनर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा तालुकात के फरोग पर तबादला ख्याल। खित्ते में पायदार अमन इस्तेहकाम दहशतगर्दी से निमटने के हवाले से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा दहशतगर्दी से निमटने के लिए बरतानवी तआवुन का खैर मकदम करते हैं। किसी अलहदगी पसंद तंजीम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या निहत्ते शहरियों को शहीद करना बलोच रिवायात हैं? वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा डिप्टी कमिश्नर जाकिर बलोच को बेदर्दी के साथ शहीद किया गया। कलदम तंजीम के अफराद मेन रोड पर आकर शहरियों को शहीद करते हैं। होशाब कॉलेज को शहीद जाकिर बलोच के नाम से मंसूब करने का ऐलान। अफ्रीका में मंकी पॉक्स का फैलाव। आलमी इदारा सेहत का हेल्थ इमरजेंसी के निफाज का ऐलान। मंकी पॉक्स खतरनाक करार। महकमा सेहत पंजाब ने भी अलर्ट जारी कर दिया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ को एयरपोर्ट्स इंतजामिया के साथ रबते में रहने का हुक्म। मुश्तबा केसेस को अस्पतालों तक पहुँचाने के इंतजाम की हिदायत। पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स के पोजीशन होल्डर्स को इनाम देने का फैसला। तलबा के एक एक टीचर को भी इनाम दिया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। स्टूडेंट स्कॉलरशिप भी मंजूर। 25,000 तलबा के तमाम तालीमी अखराजात हुकूमत अदा करेगी। तालिबात के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम का आगाज। पंजाब के 60 गर्ल्स कॉलेजेस को पहले मरहले में बसें दी जाएंगी। IT हब के क्याम की भी मंजूरी। मुल्क में इंटरनेट का भट्टा बैठ गया। वीडियो तो दूर की बात, तस्वीर ट्रांसफर करना इम्तहान बन गया। ई कॉमर्स से मुंसलिक 40 लाख से ज्यादा अफराद का रोजगार दाव पर लग गया। IT माहरीन का कहना है कि बड़े बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान को खैरबाद कह रहे हैं। वज़ीरे मुमलिकत IT का सुस्त इंटरनेट का नोटिस। कंपनियों और PTA से रिपोर्ट तलब कर ली। पूरी दुनिया में हुकूमतें फायरवॉल लगाती हैं। ड्रामा नगार खलीलुरहमान कमर हनी ट्रैप केस। मुलजिमा आमना उरूज के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसी। मुलजिमा की अदालत में हाजिरी मुकम्मल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के ड्यूटी जज इरफान हैदर ने समाप्त की। बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। दरिया सिंध में नवाब शाह के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कच्चे के इलाके में सैलाबी पानी 15 से ज्यादा देहात में दाखिल। कोह सुलेमान के तरफ बरसाती नाले बिफर गए। कबायली इलाकों के रास्ते मुनकता। नारोबाल के नदी नालों में तोहयानी। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें जेर आब आ गई। और बांग्लादेश क्रिकेट टीम की कजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस। बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। आज प्रैक्टिस का आखिरी रोज होगा।